नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आज स्टार्ट करेंगे हम एसएसटी सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ दो, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, जो दिनांक है 3/11/2020 की है। देखो पहले आपका आना चाहिए था 2 तारीख, लेकिन मैं 3 क्योंकि वर्कशीट 49 है तो मैंने सोचा पहले 49 वाले करा देते हैं, उसके बाद 50 पे चलेंगे आराम से शांति से, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। तो ठीक है, ये चलने से पहले आपको दिखा देते हैं चैप्टर कहाँ से लिया गया है आपका। ठीक है, इतिहास भूगोल ये चल ही रहा है, नाम ये दे रखा और चलते इसे, कोई बात नहीं। फिर भूगोल में चल रहा है आपका, अगर ध्यान से देखेंगे तो हम ये पढ़ चुके हैं, जलवायु वाला पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन ये भी कर चुके हैं हम। ठीक है, भारत आकार स्थिति ये तो सबसे पहले चल रहा था, इसमें निशान लगा दूंगा, और ये आपका अब ये चलने जा रहा है। तो 1, 2, 3 पार्ट हो चुके हैं भूगोल के आपके, ये चौथा पार्ट चल रहा है भारत का भौतिक स्वरूप। तो पहले ये पढ़ाया, फिर ये, फिर ये, फिर ऊपर आ गई, ये भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। अब यहां से यह सब चलेगा तो अच्छी बात है कि आप चीजें समझ रहे हैं, कैसे कैसे चल रहा है ये भी समझना जरूरी है। वर्कशीट 49 तारीख दोबारा दिखा देता हूं मैं आपका, 3/11/2020। तो भारतीय थार मरुस्थल, तुम थार के बारे में तो सबको जानते होगे, नहीं जानते होगे तो इस वर्कशीट को पढ़ते हुए जान लेंगे। ठीक है, तो मौसम बदल चुका है, थोड़ा बहुत ठंड भी लग रही है। ठीक है, मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, कोई बात नहीं। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। सीधी सी बात है, जो भी आपका मरुस्थल होगा वो गर्म और उष्ण ही होगा। जब बालू के टीलों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, मतलब यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। 150 मिलीमीटर समझ लो कि आपका 1 मिलीमीटर कितना होता है, तो हिसाब से आपका निकाल लेना ये। जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्रकृति वनस्पति पाई जाती है। आपने देखा होगा कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं और ज्यादा यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती क्योंकि वर्षा ही नहीं होती यहाँ पे। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। कहने मतलब यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती, नदियां कम होती हैं, फिर भी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो यहीं पाई जाती है। देख लो, भारत में स्थिति यार किसी भी प्रकार की हो, लोग बसी जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। अच्छा, किसमें? मेसोजोइक कल्प में, ये आपका एक पॉइंट में आ सकता है, समुद्र के अंदर स्थित था। यह अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मसर से मिले समुद्र अवशेषों और अकाल फूड फासिल पार्क के प्राप्त हुए प्रमाणों से होता है। ठीक है, यहाँ के जो समुद्र के जो आपके अवसादों को जब मिलाएगा तो इसे यहाँ के जो इसके अवसाद थे वहां से काफी मेल जुल खाया, तो उन्हें लगा कि पहले ये यहाँ जो पूरा था आपका समुद्र ही बना हुआ था। वुड फासिल्स के आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आकी गई है। हालांकि मरुस्थलीय भी चट्टानी संरचना भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भी विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। मारुश रॉक, ठीक है, याद रखना ये रॉक आपके इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मारुक रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जुगोन, ठीक है, आदि मरुस्थल मरुस्थलीय भू आकृतियों के आकृतियां हैं। बरकान अर्धचंद्रकार बालू का टीला जिसे कहा जाता है का विस्तार बहुत ही क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जब कभी आप जैसमेल जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये मेरे को थोड़ा अजीब सा, क्योंकि ये क्या है कि इतने दिनों के बाद वर्कशीट आई है, ठीक है, शूट कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो इसे मैं दोबारा शूट करके आपको दोबारा दे दूंगा, अगर नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं आप। क्वेश्चन आंसर इसके तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि मैंने पहले ही लिख लिए हैं, वो आपको तो मिल जाएंगे आसानी से। ढाल के कारण थार मरुस्थल में 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप वर्षा, वाष्पीकरण और किसी हिमनिद उद्गम के अभाव के कारण वही होती हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम बहती है यहाँ पे, अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसमों में ही जल पाया जाता है या मौसमी
इसे नदियां कह सकते हैं आप। यहाँ की अधिकांश नदियां अंततः प्रवाह अपवाह प्रणाली पाई जाती है। प्याला मरुस्थलीय भाग में स्थित लवड़ी झील होती है जिसे नमक प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, लवड़ी झील जिसे प्याला कहते हैं वहां से आपका क्या प्राप्त किया जाता है? नमक। इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख नदी लूनी है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अधिक वाष्पीकरण से और निम्न वर्षा स्थितियां इस क्षेत्र को जल प्रवाहित वाला क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा हमें भी चेंज आ गया, वर्कशीट आई ऐसी रही है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे से इम्प्रूवमेंट कर लेंगे दोबारा से, क्योंकि जो शूट है वो काफी दिनों के बाद जा रही है। तो कोई बात नहीं, जो इसके प्रश्न उत्तर हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। आपको पता होगा कि जिसने ये फटाक से यहाँ आके उनको बता दूं, जो आपका ये चल रहा है भूगोल के अंतर जो है भारत का भौतिक स्वरूप चल रहा है, अध्याय दो, इसके हम तीन पार्ट पढ़ चुके हैं, चौथा चल रहा है। ठीक है, तो पहला है थार मरुस्थल की अधिकांश नदियां वर्षावाही क्यों होती है, मतलब वर्षा के समय में क्यों बहती हैं। तो इसका पहला का उत्तर है वर्षा का कम होना। ठीक है, वहां पे वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण, और वहां पे जो तापमान होता है ज्यादा होता है, जो थोड़ा बहुत पानी होता है वाष्पीकरण में बदल के चला जाता है ऊपर। प्याला से आप क्या समझते हैं? जैसे आपको यही बताएगा, तो जो प्याला है जहां से नमक प्राप्त किया जाता है, लवड़ीय झीले जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है उन्हें प्याला कहते हैं। थोड़ा राइटिंग में भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड हो रही है और लिखने में भी थोड़ी सी हाथ कड़कड़ा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से और अच्छे कर देंगे धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 3, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई दो जलवाहिकाएं विशेषताएं बताएं। तो दो कौन सी हैं आपकी? नदियों में केवल वर्षा के मौसम में जल पाया जाता है, और दूसरा इन क्षेत्रों में सबसे प्रमुख नदी लूनी है जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। दो इसके यहां से लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4, थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम लिखिए। जैसे मैंने आपको बताया गया था, सब ऊपर लिखे गए हैं, वही आपके मारुश। ठीक है, जो चीजें समझ में आए तो आप यहां से भी लिख सकते हैं उसे। ठीक है, ये मारुश रॉक, पलुका टिब्बे बकरान। ठीक है, पलुका टिब्बे बकरान जीवगेन। ठीक है, टिब्बे ये भूल गया था, दोबारा लिखा मैंने इसमें, कोई बात नहीं, आप चार भी लिख सकते हैं, जितने लिखे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। प्रश्न नंबर 5, थार मरुस्थल भारत के किन राज्य में पाया जाता है? तो यार राजस्थान के नाम से तो सभी जानते हैं, मरुस्थल वहीं पाया जाता है राजस्थान। ठीक है, और इसने सबसे पहले भी लिख भी दिया था, भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम स्थित है। अगर आप और बढ़ा लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला है ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? आपको पता है जो पाकिस्तान की तरफ गया है और एक कच्छ की तरफ गया है, तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, तो आप यहां से भी और लिख सकते हैं अगर आपको बढ़ा के लिखना है। तो ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। आप अगर थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो यहां से भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये वाला उत्तरी भाग अगर आपको लिखना है तो यहाँ से आप पाकिस्तान और नीचे आप भारत लिख सकते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दक्षिणी भाग। ठीक, तो माय सीबीएसई क्लास की वीडियो में आज के लिए इतना ही रहेगा। माय सीबीएसई क्लास की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ठीक है, जाने से पहले बता दूं, जो आपकी वर्कशीट जो 50 है वो जल्द ही आएगी आपकी। ठीक है, तो वो 2 तारीख करके आएगी, तो सबसे पहले मैंने सोचा 49 और फिर 50 करके डालते हैं, इस वजह से सबसे पहले मैंने SST की आपको दी। ठीक है, तो माय सीबीएसई क्लास की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।